हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये चारों क्वेश्चन एक ही वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। चलिए पहला क्वेश्चन मिश्रित भिन्न का जोड़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तीन सही दो बटे पाँच प्लस एक सही एक बटे पंद्रह, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदल देना है। तो चलिए मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलते हैं। उसके लिए जो भी मान नीचे लिखा है इसका इस वाले मान से कर लेना है आपको गुणा। उसके बाद जो भी गुणा करने पर आएगा उसमें जो है ऊपर वाला जो ये वाला मान है इसको जोड़ देना है। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो पाँच का तीन से गुणा करेंगे तो पाँच तेरह पंद्रह हो जाएगा, और पंद्रह में ऊपर वाला मान जोड़ना है तो ऊपर वाला मान कितना है दो, तो पंद्रह में दो जोड़ेंगे तो पंद्रह और दो सत्रह हो जाएगा। तो सत्रह आपको ऊपर लिख लेना है। उसके बाद बटे में जो पाँच लिखा है तो बटे में पाँच का पाँच लिख लेना है। प्लस है तो प्लस का प्लस लगाएंगे। यहाँ पर भी आपको इस वाले मान का इससे गुणा कर देना है और जो आएगा उसमें ऊपर वाला मान जोड़ देना है। तो पंद्रह का एक से गुणा करेंगे तो पंद्रह कम पंद्रह हो जाएगा, और पंद्रह में एक जोड़ेंगे तो पंद्रह एक सोलह हो जाएगा। सोलह आपको ऊपर लिख लेना है और बटे में पंद्रह का पंद्रह लिख लेंगे। ये ऊपर वाला मान जो है ये अंश होता है और नीचे वाला जो मान है ठीक है इसको हर बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ने के लिए आपको जो हर है पाँच और पंद्रह इसका एलसीएम निकालना होगा। तो चलिए पाँच और पंद्रह का एलसीएम निकाल लेते हैं। पाँच और पंद्रह का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसमें पाँच से भाग लगेगा तो पाँच से भाग लगाएंगे, पाँच एकम पाँच और पाँच तिहाई पंद्रह। उसके बाद तीन से भाग लगेगा तो तीन से हम भाग लगाएंगे, एक का एक और तीन एकम तीन। अब ये जो साइड वाले मान है इसका गुणा कर लेंगे, यही एलसीएम हो जाएगा। पाँच का तीन से गुणा करेंगे तो पाँच तिहाई हो जाएगा पंद्रह, पंद्रह ही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो जो भी एलसीएम आया है वो आपको फर्स्ट बटे में लिख लेना है। सबसे पहले बटे में हम पंद्रह लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको पहली जो भिन्न थी उसके हर से इसमें भाग होगा, तो पंद्रह में पाँच से भाग होगा तो तीन आएगा। उस तीन का इसके ऊपर वाले मान अंश से गुणा करेंगे तो तीन का सत्रह से गुणा करेंगे तो सत्रह तिहाई हो जाएगा इक्यावन। ठीक है, प्लस का प्लस लगाएंगे, पंद्रह में पंद्रह से भाग करेंगे तो एक आएगा, और एक का इसके ऊपर वाले मान सोलह से गुणा करेंगे तो सोलह एकम सोलह हो जाएगा। इक्यावन प्लस सोलह और बटे में है पंद्रह, तो इक्यावन में सोलह जोड़ेंगे तो छः एक सात हो जाएगा। ठीक है, और पाँच और एक छः हो जाएगा सड़सठ, और बटे में कितना है बटे में पंद्रह लिखा है, सड़सठ बटे पंद्रह ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मिश्रित भिन्न का घटाव। क्वेश्चन है दो सही तीन बटे चार माइनस एक सही दो बटे छः। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो आपको पता है जो नीचे वाला मान है इसका इससे गुणा करेंगे तो चार का दो से गुणा करेंगे तो चार दोना आठ हो जाएगा, और आठ में ऊपर वाला मान जोड़ेंगे तो आठ तीन ग्यारह हो जाएगा। तो ग्यारह जो है ऊपर लिखा जाएगा और बटे में चार लिखा है तो बटे में चार का चार लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का माइनस लगाएंगे, छः का एक से गुणा करेंगे तो छः कम छः हो जाएगा, और इसमें ऊपर वाला मान जोड़ेंगे तो छः में दो जोड़ेंगे तो छः दो हो जाएंगे आठ, आठ ऊपर लिख लेना है, और बटे में छः लिखा है तो बटे में छः का छः लिखेंगे। ग्यारह बटे चार माइनस आठ बटे छः। ठीक है, अब जो है चार और छः ये इसके हर है दोनों के, तो चार और छः का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए चार और छः का हम एलसीएम यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों में दो से भाग होगा तो दो से हम करेंगे, दो दुना चार और दो त्याई छः। ठीक है, फिर दो से भाग होगा, फिर दो एक कम दो और तीन नहीं कटेगा दो से तो तीन का तीन लिख लेंगे, फिर तीन तीन से ही कटेगा, तीन में तीन से ही भाग होगा, एक का एक लिखेंगे और तीन एकम तीन। ये जो साइड वाले मान है इसका हम गुणा कर लेंगे और यही हो जाएगा एलसीएम। तो दो का दो से गुणा करेंगे तो दोनों चार हो जाएगा, और चार का तीन से गुणा करेंगे तो चार तीन बारह हो जाएगा। तो एलसीएम निकल कर कितना आया बारह। जो भी एलसीएम आया है फर्स्ट आपको वही बटे में लिख लेना है, तो बटे में हम बारह लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको जो पहले लिखा है मान उसके बटे में जो उसका हर है ठीक है उससे जो है जो एलसीएम आया है उसमें भाग होगा। तो 12 में 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 4 तिहाई 12 होता है, और उस 3 का इसके अंश से गुणा कर देंगे तो 3 का 11 से गुणा करेंगे तो 11 तिहाई हो जाएगा 33। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 12 में 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का इसके ऊपर वाले मान अंश से गुणा करेंगे तो अंश है 8, तो 2 का 8 से गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16। ठीक है, 33 माइनस 16 और बटे में 12 है, 33 में से हम 16 घटाएंगे तो ऊपर बच जाएगा 17 और नीचे कितना है 12, 17 बटे 12 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है 7 सही 1/2 गुड़े 3 सही 1/6। तो यहाँ पर हम मिश्रित भिन्न का गुणा करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना होगा। उसके लिए नीचे वाले मान का इससे गुणा करेंगे और ऊपर वाला मान जोड़ देंगे। तो 2 का 7 से गुणा करेंगे तो 2 7 14 हो जाएगा, और 14 में 1 जोड़ेंगे तो 14 1 15 हो जाएगा। 15 ऊपर लिखना है आपको, और बटे में जो 2 लिखा है तो बटे में 2 का 2 लिख लेना है। यहाँ पर गुणे का निशान है तो गुणे का निशान लगाना है। 6 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 18 1 19 हो जाएगा, 19 ऊपर है, और बटे में क्या लिखा है 6 का 6 लिख लेंगे। 15 2 गुणे 19 6। अब यहाँ पर कट करना है आपको, अगर ऐसे क्रॉस कुछ कट हो रहा है या ऐसे क्रॉस हो रहा है या ऊपर नीचे कट हो रहा है तो आपको कट करना है। तो यहाँ पर ये दोनों जो है 3 से कट हो रहे हैं तो हम इनको कट कर लेंगे। 3 5 15 और 3 2 होता है 6, ठीक है। अब आपको ऊपर का ऊपर गुणा कर लेना है और नीचे का नीचे गुणा कर लेना है, ठीक है। तो 19 का 5 से गुणा करेंगे तो 19 5 हो जाएगा 95, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4। 95/4 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन मिश्रित भिन्न का भाग है। चौथा क्वेश्चन है 4 सही 1/2 भाग 5 सही 3/4, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भाग करना है। तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदला जाता है, तो बदलते हैं। चलिए 2 का 4 से गुणा करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। 9 ऊपर आपको लिखना है, बटे में 2 का 2 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद भाग का हम अभी भाग ही लगाएंगे, और 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, और 20 में 3 जोड़ेंगे तो 20 3 23 हो जाएगा ऊपर, और बटे में 4 का 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको ये वाला मान जो पहले लिखा है ये वाला मान वैसे का वैसे लिख लेना है। उसके बाद इस भाग वाले चिन्ह को बदल लेना है गुणे में, भाग वाले चिन्ह को बदलना है गुणे में। जब भाग वाले चिन्ह को गुणे में बदलेंगे उसके बाद जो लिखा होगा उसका आपको उल्टा लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 23/4 लिखा है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4 ऊपर हो जाएगा और 23 नीचे हो जाएगा। 23/4 लिखा है तो इसका उल्टा हो जाएगा 4/23, ठीक है। 9/2 गुणे 4/23। अब यहाँ पर क्रॉस कुछ कट हो रहा है या ऊपर नीचे कुछ कट हो रहा है तो आपको कट कर लेना है। तो ये दोनों 2 से कट हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। अब आपको ऊपर का ऊपर गुणा कर देना है और नीचे का नीचे गुणा कर देना है। तो 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 9 2 हो जाएगा 18, और 23 का 1 से गुणा करेंगे तो 23 1 हो जाएगा 23। 18/23 ही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप भी बहुत ही आसानी से मिश्रित भिन्न का जोड़, मिश्रित भिन्न का घटाव और मिश्रित भिन्न का गुणा, मिश्रित भिन्न का भाग कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपके समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखने के लिए थैंक, मिलते हैं अगले वीडियो में।